हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से वेलकम है। तो आज के वीडियो उन सभी लोगों के लिए स्पेशल साबित होने वाला है जो लोग जानना चाहते थे थाईलैंड के नई वीज़ा स्कीम के बारे में, जो कि रिसेंटली थाईलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इस स्कीम के बारे में देखिए, बहुत सारी वीडियोज़ बन रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारी न्यूज़ में बताया जा रहा है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को फ्री वीज़ा देना शुरू कर दिया है। यानी अगर आप एज ए टूरिस्ट थाईलैंड जाना चाहते हैं, आप लोगों का ड्रीम है थाईलैंड घूमने का, तो अब आपको कोई वीज़ा नहीं लेना है। आप डायरेक्टली फ्लाइट बुक करें, आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करें एंड आप डायरेक्टली थाईलैंड जा सकते हो। तो इस प्रोग्राम के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि आप सभी लोगों को शायद पता होगा, अभी मैंने लगभग 10 से 15 दिन पहले ही थाईलैंड के ट्रिप को कंप्लीट किया है। अभी आई थिंक 10 से 15 दिन पहले मैं वहाँ से वापस आया हूँ। तो काफ़ी सारी जगहों पर मैं घूमा, फुकेट, बैंकॉक, पटाया, चेंग माई, काफ़ी अच्छे प्लेसेस पर घूमा हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पर बन गए और काफ़ी अच्छी सिटी है, काफ़ी अच्छी कंट्री है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी न्यूज़ में काफ़ी अच्छे से बताया जा रहा है कि भाई ये जो प्रोग्राम है 10 नवंबर से थाईलैंड गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो जो है जा सकते हैं थाईलैंड और वहाँ पर जाकर 30 डेज़ के लिए घूम सकते हैं एज ए टूरिस्ट। स्कीम है ये 30 मई तक चालू रही, यानी आप 30 मई तक इसी नई स्कीम के अंदर जा सकते हो थाईलैंड। और लोगों के क्वेश्चन से इसी नई स्कीम के बारे में कि अगर अब वीज़ा फ्री कर दिया है थाईलैंड ने इंडियंस के लिए, तो अगर हम इस नई स्कीम के अंदर जाना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास में होने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाने चाहिए। तो नहीं है ना कि अगर वीज़ा फ्री कर दिया तो आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि अगर आप लोग अभी करंट में जाना चाहते हो थाईलैंड, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए और इस स्कीम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस स्कीम के अंदर अगर आप जाए तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, आपको फ़्लाइट अपनी बुक करनी है और इंडिया से थाईलैंड की, और वहाँ से आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट मिलेगी। ठीक है, थाईलैंड से आपकी होम कंट्री की रिटर्न फ्लाइट टिकट लगेगी और वही उसके बाद में जितने दिन भी आप थाईलैंड में रुकेंगे उसका आपका होटल बुकिंग का देखिए डॉक्यूमेंट ज़रूर लगेगा। जितने दिन भी जिस जिस जगह पर आप रुकेंगे, आपका होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग जहाँ पर भी आप रुकेंगे उसका प्रूफ आपको शो करना होगा। ठीक है, तो दो डॉक्यूमेंट हमारे होगा। तो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका देखिए पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट तो सभी के पास रहता है अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं। तो जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ की होनी चाहिए, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी थाईलैंड में। 3 डॉक्यूमेंट होंगे एंड जो चौथा डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो रहेगा आपका इंश्योरेंस। ठीक है, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं 300-400 रुपये में, आपको मैकमाई ट्रिप से भी इंश्योरेंस मिल जाता है। एक दोस्तों जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप जो देखिए अपनी बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा कर लेकर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली अपने बैंक में विजिट करेंगे तो आपको बंदा वहाँ पर निकाल कर दे देगा बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, आप अपने पास में रखें, वैसे आपसे कोई वहाँ पर रिक्वायर नहीं करता है बैंक स्टेटमेंट की इमिग्रेशन ऑफिसर, बट आप निकाल कर रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, साथ में रखें तो कोई इशू नहीं है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि दोस्तों जब आप लोग थाईलैंड जाते हैं तो आप जो है सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर जाएंगे इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर, तो सबसे पहले काम आपको यही करने की जाकर आप 10 से 15 हज़ार थाई भाट अपने पास रख लें। क्योंकि जब आप अपना बोर्डिंग पास लेते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करता है, वो यही करता है कि भाई आप फ्लाइट किस डेट का है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आप कब आएंगे, किस किस जगह पर घूमेंगे, आपकी होटल बुकिंग चेक करेगा, कितने पैसा आपके पास में भी करंट में है। ठीक है, थाई भाट 10 से 15 हज़ार भाट आपके पास में होनी चाहिए। और भाई काम क्या करते हो आप, ठीक है, काम क्या करते हो, क्या जॉब करते हो, कहाँ के रहने वाले, ये सब क्वेश्चन जरूर करता है। तो जो मैंने आपको बताया 10 से 15 थाई भाट आप अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है, और इमिग्रेशन जो इंडिया में इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो ये सब चीज़ें मालूम करते हैं। और दोस्तों जब आप लोग थाईलैंड जाएंगे तो अब जो है अब ठीक है करंट में जो थाईलैंड के इमिग्रेशन ऑफिसर होंगे वो भी शायद आपसे देखिए क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। क्योंकि पहले ऐसा था कि आप जो है स्टिकर वीज़ा ले रहे हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं उसकी फ़ीस पे कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आई थिंक क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होते थे वहाँ पर, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था। बट शायद अब जो है क्वेश्चन आपसे होंगे।
ठीक है। तो ये सारी डिटेल है इस नई स्कीम के बारे में। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप 30 डेज तक वहाँ पर एज ए टूरिस्ट रह सकते हो। इस स्कीम के अंदर आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते हो, कोई जॉब नहीं कर सकते हो, कोई बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप घूम सकते हो। बट अगर आप लोग चाहें कि हम 30 डेज से ज़्यादा वहाँ पर रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा कि भाई आप जो है जब आपका 30 डेज कम्प्लीट होने वाला हो, आपका 29, 28 डे हो, आप एग्जिट कर ले, आप कंबोडिया चले जाए, वियतनाम चले जाए, वहाँ पर 8 से 9 दिन रुकें, फिर वापस आप जो है री एंट्री कर सकते हो थाईलैंड में, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको 2 महीने रुकना है या फिर 3 महीने रुकना है, ठीक है, ऐसे ही। बट ये सिर्फ आप मई तक कर सकते हो, मई के बाद में आपको वीज़ा आई थिंक लेना होगा फिर से। तो ये सारी डिटेल इस नई स्कीम के बारे में। अब दोस्तों आप सभी लोगों की क्वेश्चन ये हुई कि जो पहले हम वीज़ा लेते हैं, स्टिकर वीज़ा लेते थे और मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते थे, कि क्या वो अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज जो है मैंने एक टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में कॉन्टेक्ट किया था, तो मैंने उनसे मालूम किया है कि मुझे थाईलैंड का स्टेकर वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, अभी जो है थाईलैंड का स्टेकर वीज़ा क्लोज हो चुका है, अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, अब आपको कोई स्टेकर वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म होगी कि भाई अब आप वीज़ा ऑन अराइवल पर नहीं जा सकते हो, ना ही आपको स्टिकर वीज़ा मिल सकता है, ना ही मल्टीपल एंट्री वीज़ा, आप डायरेक्टली जा सकते हो एज ए टूरिस्ट, कोई वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नई स्कीम है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों बेनिफिट भी है, बेनिफिट ये है कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि जब आप अभी पीछे स्टिकर वीज़ा लेते थे या फिर वीज़ा ऑन अराइवल पर जाते, तो वीज़ा ऑन अराइवल की आपको 2200 फीस पे करनी होती थी, और जब आप स्टिकर वीज़ा लेते थे तो इंडियन एजेंट से ही आप एप्लीकेशन कराते, तो उसमें आपका लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये चला जाता था। तो ये चीज़ अब ख़त्म हो गई, आप डायरेक्टली जाएँ और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो रेडी करके आप थाईलैंड में अपनी एंट्री कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है रिगार्डिंग थाईलैंड, तो आप इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कीजिए। और बहुत जल्द दोस्तों मैं थाईलैंड फिर से जाने वाला दिसंबर में, आपको बहुत सारी वीडियोज वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलेगी, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ वहाँ पर आप सभी लोगों के लिए मैं बनाने वाला हूँ।